press the bell icon for all the updates. थैंक यू। तो सब जानना चाहेंगे ना कैसा रहेगा आपका कैरेक्टर और क्या कुछ देखने मिलेगा हमें। मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है रूही और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रोल है। मैं बताऊंगी क्यों। जैसे कि आप लोगों ने प्रोमो देखा है, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और हज़ारों सालों के बाद मैंने जन्म लिया है एंड मैं अपने नाग अपना जो प्यार है उससे मिलती हूँ और कैसे बाधाएं आती है। थोड़े से जो लड़के हैं वो हम दोनों के प्यार के बीच में टकरार कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स मैं अपने नाग को खो देती हूँ एंड कैसे वो बदला लेती नागिन। द स्टोरी एंड द शो इज़ ऑल अबाउट दैट। वहाँ से शुरू होता है पूरा ड्रामा। तो आप बहुत सारे शेड्स देखेंगे क्योंकि जो ब्रीफ मुझे मिला था नागिन का वो था कि नागिन हैज़ टू लुक लार्जर देन लाइफ। नागिन का जो कपड़े हैं वो बहुत ही उम्फ और सेक्सी होंगे, गहने वैसे होंगे एंड बहुत ही प्रिटी नागिन होगी एंड एट द सेम टाइम आपको ऑडियंस को सिंपथी भी दिलानी है। सो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी कि आपको सेक्सी भी दिखना है, आपको लार्जर देन लाइफ भी दिखना है, आपको अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से प्ले करना है और इमोशनल कैरेक्टर भी लाना है कि लोगों को आपसे सिंपथी आए कि बेचारे के साथ क्या हो गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर एंड पावरफुल रोल एंड आई एम हैप्पी कि मैं बालाजी में फिर से आई हूँ। एक मेरी सेकेंड इनिंग है बालाजी के साथ। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं एकता कपूर और बालाजी के साथ जुड़ी हूँ एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी। फर्स्ट सीजन देखा था, सेकेंड सीजन मैं नहीं देख पाई। फर्स्ट सीजन मैंने देखा था क्योंकि नया नया था आई रिमेम्बर और सब लोगों ने बोला था प्लीज़ ये शो देखो। मोनी ने भी बोला था ये मेरा नया शो है तो प्लीज़ सी। तो मैं जनरली टीवी शोज़ नहीं देखती हूँ, नॉट फॉर एनी रीज़न। मुझे वक्त नहीं मिलता है। मैं ज़्यादा करके इंटरनेशनल शोज़ देखती हूँ, मुझे वहाँ से लर्न करने को बहुत मिलता है और आई लाइक टू डू अदर थिंग्स। बट मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, पर मैंने ये शो देखा एंड इट वॉज़ वेरी ग्रिपिंग। आई मस्ट से दैट आई रियली लाइक्ड द नागिन्स इन द शो। आई रियली लाइक ऑल द कैरेक्टर्स इन द शो। तो एक ग्रिपिंग कॉन्सेप्ट डेफिनेटली था एंड दो साल बीत गए हैं और जब तीसरे साल में एकता ने सोचा टू रीवैम्प द शो विद कम्प्लीट डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड व्हेन आई वाज अप्रोच्ड आई वाज वेरी हैप्पी कि यू नो फाइनली आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी ए बिकॉज इट्स लाइक अ फैमिली। सो इट्स लाइक अ रियूनियन फॉर मी एंड सेकेंडली इट्स अ ब्रांड नागिन विच इज डूइंग रियली वेल ऑन टीवी। सीजन 1 सीजन 2 बेंचमार्क काफी हाई सेट किया हुआ है, कुछ प्रेशर फील हो रहा है? प्रेशर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है क्योंकि एक सेट लॉयल फैन है नागिन की और फैंस है दोनों नागिन्स की, तो उसे ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट आई वुड से डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं अपना 100% दे रही हूँ फॉर मी टू लुक एज द प्रीवियस नागिन्स वर। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लुक एज पावरफुल एंड चैलेंजिंग एज द अदर नागिन्स। डिपेंड्स एक्चुअली आई वुड हैव चोजन डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर एंड हाउ पावरफुल द रोल इज एंड हाउ चैलेंजिंग इट इज़। द रीज़न वाई आई हैव नॉट बीन इन दिस टेलीविजन शोज, यू हैव नॉट सीन मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बिकॉज इफ आई एम कमिंग ऑन टेलीविजन एंड इफ आई एम डूइंग अ डेली सोप और अ शो वेर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट हैज़ टू बी अमेजिंग, द कैरेक्टर हैज़ टू बी चैलेंजिंग। अदरवाइज आई एज एन एक्टर start feeling that I'm stuck and stagnant in one role, you know. So that is one of the reasons I have not been on television for a long, long time. I've done cameos, quick in and out I've done always. But if you see, I have not done like a start to end finish show, because for me to do a start to end show, it has to be acting driven. It has to give me that kick that wow, I'm doing this. Every day I come on the set and I have to feel excited about it. And I'm really excited to do Nagin. There was so much of hype that was doing Nagin. So after when you got the news, what was your family reaction? What was your reaction? My family, my mom was very happy that, you know, my mama was happy that I'm a part of Balaji. बिकॉज मैंने अपना करियर बालाजी के साथ स्टार्ट किया है, तो मम्मा वॉज वेरी इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक एंड सो वॉज आई वॉज वेरी इमोशनल दैट वाओ आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग बालाजी एंड दैट टू आई एम डूइंग नागिन। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एकता हैज़ बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड हेल्पफुल यू नो टूवर्ड्स मी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड जब मुझे पता चला कि मुझे नागिन का रोल अप्रोच किया गया है तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने जब कैरेक्टर ब्रीफ लिया तो एकता ने मुझे बताया था कि एग्जैक्टली ऐसा रोल मुझे चाहिए,
you know, this character was so beautifully written and so beautifully thought of, you know, ke jewelry se lekar, mere baal se lekar, mere kapde se lekar, mere acting se lekar, exact, everything was monitored very beautifully. And I think I'm trying to do justice of this role. Have you taken inspiration from any of our Bollywood talent, like Reena Rao has done a fast shot of the Deputy? Like, have you watched the movies, you know? Yeah, not because of the role I've been offered. I have done, I have seen Reena Roy's, Reena Roy ji's film, Nagina. Jitu ji the usme, fab. So I have loved the film. Jab main chhoti thi, I remember I have seen the film, and the melody of the song, of that famous song, was so beautiful. And jabhi bhi hum jabhi bhi emotional role ya track karte hai, aur aap episodes mein bhi dekhenge, humne same to same wo melody dhun uthai hai, aur maine usme ek acha sa performance diya hai. So I'm very excited. And of course we can't miss Sridevi ma'am also. She's been an amazing, beautiful, pretty, sexy nagin always on films. The best quality of my character is that she has a lot of shades. When she's in love, she, you know, shows her love so beautifully, and when she's taking revenge, she's so much into revenge. So the character briefing and the character I'm playing has so many shifts in the emotions, which is very exciting for me to play. Okay, so do you believe in supernatural powers? I have never faced or experienced it, but I'm sure there is some supernatural, divine or something there in the universe, you know, जहाँ से ये सब concepts आए हैं. Concepts आए कहाँ से? कहीं से तो आए हैं ना ये concepts. So कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई है ऐसे में, but not necessarily the 100% is there in the real life. But of course, that's why we call it as a fiction show, because it's all fictional. So fiction show में how believable the character can be, and कितना हम लोग audience को grip करके रखते हैं और involve करके रखते हैं, that is the challenge. मैं करिश्मा, अगर आपसे जानना चाहूँ, I'm so sorry. अगर आपसे जानना चाहूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ आप excited है या करना चाहती हैं जो forward आगे चल के कुछ करना हुआ, तो what would be that in Nagin, ऐसा कोई experiment खुद के ऊपर करना चाहेंगे? अब नागिन में स्टोरीज एवरी डे बदलती है, एवरी डे चेंज होती है, तो आई डोंट नो आगे जाकर क्या होने वाला है, बट आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द शो फॉर श्योर, एंड आई वुड लाइक टू हैव द स्ट्रॉन्ग रोल जो मेरा है फिलहाल भूमिका. और अगर आप मुझे ऑफ नागिन पूछो, तो आई वुड रियली लाइक टू ऐसे द रोल, आई मीन ऐसे मिसेज माधुरी दीक्षित ने इज रोल एज अ बायोपिक, आई वुड लव टू प्ले हर. Worked with him? Yeah, it's beautiful. I've worked with Anita also in the past. I've worked with Chetan Hansraj. I've worked with Rakshanda. I've worked with Pearl also, and it's beautiful to work with all the actors I've worked before, because एक certain comfort level होता है उनके साथ. Surbhi के साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, पर जितना भी set पे हम मिले हैं, she's a lot of fun. So I think, you know, जब आप actors को जानते हो, तो एक comfort level और एक positivity already बन जाती है, and we all are having a lot of fun on the set. Finally, a word for your fans. Please watch Nagin. It's coming on 2nd June only on Colors. And I know कि आप लोग first season और second season से जुड़े हुए हैं और एक loyal fan following है, but I'm sure हमने बहुत मेहनत की है. Concept, storyline, सब कुछ different है, and हम आपको निराश नहीं करेंगे. So please, please watch Nagin 3.